हाउ टू प्ले यूट्यूब वीडियो इन बैकग्राउंड। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग अपने यूट्यूब वीडियो को गैलरी में चला सकते हो। तो अगर जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपना यूट्यूब यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो अगर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे प्ले किया, तो अगर मैंने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो रहा है और मैं इसको हटा दूंगा, तो कहते हैं आप लोग देख सकते हो कि वीडियो भी यहाँ पे ये प्ले नहीं हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से यार आप लोग अपने जो YouTube का वीडियो होता है उसको भी आप लोग बैकग्राउंड में चला सकते हो। तो गाइस इसके लिए सिंपली आप लोगों को ना अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेना पड़ेगा। तो गाइस चलिए मैं ऐसे अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस उसके बाद सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करके यूट्यूब को यहाँ पे लॉगिन कर लेना पड़ेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे यूट्यूब को यहाँ पे लॉगिन कर लिया। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे यूट्यूब को लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मेरे को यहाँ पे एक सेटिंग को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो सेटिंग क्या है, तो गाइस उसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर में, एरो टाइप का ऑप्शन। तो सिंपली हम लोगों ने उस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो उस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम लोगों ने अपने जो क्रोम ब्राउज़र का होता है उसको डेस्कटॉप मोड में यहाँ पे इनेबल कर देना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है बिल्कुल यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में इनेबल हो चुका है। आप लोग इसको इनेबल कर सकते हो। अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि डेस्कटॉप मोड में यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। तो इसके बाद सिंपली हम लोग को यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेना पड़ेगा। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे आप लोग को एक दिखाता हूँ, यहाँ पे NCS का एक वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग समझ रहे हो कि NCS का वीडियो क्यों दिखा रहा है। तो गाइस मैं NCS का वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा जिसका को मैं यहाँ पे सॉन्ग यूज करूँगा। तो गाइस मैं NCS वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। NCS के वीडियो पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वीडियो यहाँ पे प्ले स्क्रीन में होने लगेगी। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा है और मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में चलाना है, तो मैं यहाँ इसको हटा लेता हूँ। और अभी जब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये वीडियो ना मेरे बैकग्राउंड में भी चल रहा है। और इस प्रकार से आप लोग ने कोई भी वीडियो को अपने बैकग्राउंड में चला सकते हो। जिस आप लोग का ट्रिक कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।